नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं जिसका नाम है पोहा। इसको माल पोहा भी बोलते हैं, पोहा भी बोलते हैं। ये बहुत फेमस डिश है महाराष्ट्र की, स्पेशली नागपुर। शुरू करने से पहले दोस्तों याद दिला दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। पोहा, आलू पोहा, पोहा कांदा पोहा, वॉट एवर, इसको बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। पोहा जो कि मैंने सोक करके रखा हुआ है, इसे 2 से 3 मिनट तक सोक करके रख दीजिए। उसके बाद लगेगा हमको पीज और आलू। उसके बाद हमें लगेंगे चिली, ग्रीन चिली, और प्याज कटे हुए। तो यहाँ प्याज ऐसे ही काटने हैं, ठीक है। मस्टर्ड सीड, राई, हल्दी, टर्मरिक, सॉल्ट, नमक, और गार्निशिंग के लिए हमें लगेंगे धनिया। तो स्टार्ट करते हैं पोहा बनाना। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल ले लेते हैं। पोहा में ऑयल हमेशा कम ही डालना है। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें मस्टर्ड सीड मतलब राई डालते हैं। राई को थोड़ा होने देते हैं और राई होने के बाद इसमें प्याज ऐड करते हैं। और प्याज थोड़ा ब्राउन होने देना है, उसके बाद ही बाकी सब इंग्रेडिएंट्स डाल दें। अभी आप देख सकते हैं प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इसी में हम चीनी डाल देते हैं। उसके बाद जो पीस है वो डालते हैं और आलू डाल देते हैं। इन सबको होने देते हैं और अभी हम लोग इसमें टर्मरिक मतलब हल्दी पाउडर डालना है। और इसको अब होने देते हैं थोड़ा। दोस्तों एक बार आपको फिर याद दिला दूं, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। ये पक रहा है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। आपको पता नहीं चलेगा बट मैं बता रही हूँ, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ हम लोगों का जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग ने जो डाले हैं ये सब पक चुका है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पोहा। और अभी इसमें सॉल्ट भी डाल देते हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। हमारा पोहा बन ही रहा है। और दोस्तों जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं कुछ, तो तब आपको ये बहुत आइडियल नाश्ता होता है उनके लिए बनाने के लिए पोहा। और ये लोग बहुत पसंद भी करते हैं और प्रिफर करें कि 4 बजे के पहले पोहा खाएं, क्योंकि ये बहुत हेवी होता है, तो डाइजेस्ट करने के लिए 4 बजे के बाद इवनिंग में ये ना खाए तो ही बेटर है। तो दोस्तों अभी पोहा रेडी हो चुका है, हम इसे सर्व कर लेते हैं। को गार्निश करने के लिए थोड़ा धनिया इस पे डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पोहा हमारा रेडी है। और ऐसे ही नई नई डिशेस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।